नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री देवला है और मैं एक ऑथर और लाइफ कोच हूँ। आज 18वां दिन है मेरे इस 21 दिन के हिंदी वीडियो चैलेंज का, फेसबुक लाइव वीडियो चैलेंज का। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सभी लोगों का, आप सबके सवालों का और जो रिक्वेस्ट आप लोग भेज रहे हैं। और काफ़ी सारे शहरों से रिक्वेस्ट आ रही है कि एक्सेस कॉन्शियसनेस की जो क्लासेस मैं करती हूँ वो लोग अपने आप लोग अपने अपने शहर में चाहेंगे कि मैं आऊँ और उसको करूँ। मेरे पास कुछ लोगों के मैसेजेस आए मुंबई से, जयपुर से, लुधियाना से, जो लोग चाह रहे हैं कि मैं वहाँ पर आकर उन शहरों में आकर अपनी क्लासेस को करूँ। तो सब आप सभी लोगों की जानकारी के लिए एक बहुत एक ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन रिक्वेस्ट है काफ़ी लोगों की कि वो चाहते हैं कि जो एक्सेस की क्लासेस है वो मैं उनके शहर में आकर फैसिलिटेट करूँ। तो मुझे बहुत पसंद है एक्सेस की क्लासेस फैसिलिटेट करना और डेफिनेटली मैं मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपके शहर में आऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये जो मैजिक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको शेयर करूं। और उसी के साथ साथ मुझे थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स का भी ध्यान रखना होता है। अगर हम किसी भी न्यू सिटी में जाकर या कंट्री में जाकर उस क्लास को करते हैं तो उसके अपने एक्सपेंसेस रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी सिटी में आकर या आपकी कंट्री में आकर एक्सेस की क्लासेस को फैसिलिटेट करूँ, तो डेफिनेटली बेयर मिनिमम 10+ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि एक पूरा एक डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर दिल्ली में हैं आप और एक्सेस की क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भी आप मुझे लिख सकते हैं। डेफिनेटली दिल्ली, क्योंकि एज ऑफ नाउ मैं अभी तक मैं दिल्ली में ही रह रही हूँ, तो और मेरा अपना सेंटर है पीतमपुरा दिल्ली में, तो कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर क्लासेस करने की, हम आसानी से यहाँ पे क्लास कर सकते हैं। बाकी किसी भी शहर में हमें अपना जो अकोमोडेशन है, क्लास कहाँ पे करनी है, बैंक्वेट है, वो सब चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको पहले से प्लान करके चले, स्केड्यूल करके चले और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको टेक केयर करके चले। तो ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। और कुछ लोगों ने अभी भी मुझे सवाल किया कि एक्सेस कॉन्शियसनेस एक्चुअली में है क्या, और जो सब बातें मैं पिछले मैं कहूँगी पिछले आई थिंक दो महीने से लगातार मैं ये फेसबुक लाइव कर रही हूँ। पहले मैंने 21 दिन का इंग्लिश का फेसबुक लाइव वीडियो चैलेंज लिया था और अब ये 21 दिन का हिंदी का फेसबुक लाइव वीडियो चैलेंज, जिसका आज 18वां दिन है। तो और कुछ ही दिनों में ये भी कम्प्ली जो है समाप्त होने वाला है। लेकिन जो बातें मैंने आपके साथ करी उसमें से कई बातें जो हैं शायद मैं बचपन से ही जानती थी, कुछ बातें जिनके लिए मुझे डांट पड़ती थी और अब उन्हीं बातों के पैसे कमाती हूँ, क्लासेस करती हूँ। और काफ़ी कुछ जो है मैंने एक्सेस से सीखा, काफ़ी कुछ एक्सेस में आकर मुझे लगा कि ये तो मुझे बचपन से पता था, पर ये है कि एक्सेस में आकर मुझे जो बातें मुझे शुरू से लगता थी कि ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं होता, कहीं ये अगर ऐसा हो तो क्या हो, तो वो सारी जो बातें हैं मुझे एक तरह का एक सेटिस्फैक्शन मिला कि वो सिर्फ मेरी काल्पनिक चीज़ें नहीं थी और मैं अकेली नहीं हूँ दुनिया में जो उस तरीके से सोचती हूँ। वाकई में वो चीज़ें होती हैं, सिर्फ हमें दिख नहीं रही होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। तो वो एक कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे एक्सेस में आकर आया। और जब मैंने उन जो भी सब हम सीखते हैं एक्सेस में उनको अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू किया, तो जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया, बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आया। और तो इसीलिए अब मैं उसको लोगों से बांट रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। तो हाय भक्ति, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हाय शिवानी, कैसे हैं आप? हाय नीता जी, कैसे हैं आप? हाय रश्मि, हाय कौरव। सो आपके अगर कोई भी सवाल है एक्सेस कॉन्शियसनेस को लेकर,
अपने जीवन में किसी चीज़ को लेकर या कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आज इस फेसबुक लाइव में बात करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ समय से जब मैं फेसबुक लाइव कर रही हूँ तो बहुत इंटरेक्टिव फेसबुक लाइव हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि मेरे को, पहले मुझे ऐसा महसूस होता था कि बस मैं स्क्रीन से ही बातें कर रही हूँ, मैं ही बोले जा रही हूँ, पता नहीं उस साइड पे कोई उसको सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा। पर कुछ समय से ऐसा फेसबुक लाइव नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे मैसेंजर पर भी, मेरे पर्सनल नंबर पे या फेसबुक उस पे ईमेल पे भी, और उसके अलावा जो कमेंट बॉक्स पे इमीडिएटली उसी टाइम पर हाय भक्ति आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उससे वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अच्छी हूँ भक्ति, आप कैसे हैं? आज ही हमने मुंबई का ट्रिप प्लान किया है। मैं करीब 12-15 दिन के लिए मुंबई आने का प्लान कर रही हूँ। अपनी जो एक्सेस की जो क्लासेस हैं वो मैं मुंबई में करने वाली हूँ, तो मुझे बताइएगा अगर आप जानते हैं मुंबई में किसी को जो कि इन क्लासेस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आप उन तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि मैं मुंबई आ रही हूँ, और वो मुझे मिल सकते हैं, और अगर वो चूज़ करें तो वो इन क्लासेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? एक एक्सेस का टूल है, हु डज दिस बिलोंग टू, उसकी एक ऐप भी है, फ्री ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या www.drdenhi.com/who-does-this-belong-to पे जाकर भी आप उसको अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली वो ऐप क्या करती है, हर 15 मिनट के बाद एक टिंग करके एक आवाज़ आपके फ़ोन में बजती है, जब आप उसको चेक करते हैं तो उस पे लिखा होता है हु डज इट बिलोंग टू, तो आपको सचेत कर देती है कि इस पल जब वो बेल भजी और आपने स्क्रीन को देखा तो उस पल जो भी कुछ आपके अंदर चल रहा है, जो भी ख्याल भाव विचार जो भी सब चल रहा है वो किसका है। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि 99% जो हमारे ख्याल भाव विचार होते हैं वो हमारे होते ही नहीं हैं, हम एक एंटीना की तरह कैच कर रहे होते हैं दूसरों के भाव, दूसरों के ख्याल, दूसरों के विचार, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो हमारे स्पेस के अंदर प्रोग्राम्ड होते हैं इस लाइफ की किसी और लाइफ टाइम के, लेकिन वो इतने असली लग रहे होते हैं कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये हमारे नहीं है, क्योंकि हम उसको महसूस कर रहे होते हैं। तो सिर्फ इसलिए कि हम उसको महसूस कर रहे हैं और हमारी रियलिटी में वो फिट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा होगा। वो हो सकता है, अधिकतर होता है कि वो हमारा नहीं होता, हमने या तो किसी और से बाय कर लिया होता है, मान लिया होता है कि हमारा है कहीं और से पिक करके, या फिर हम किसी और के साथ जो हो रहा है उसके बारे में अवेयर हो रहे होते हैं, हमारा शरीर हमें बता रहा होता है कि किसी और के साथ क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो अवेयरनेस ऐसे नहीं आती कि ये किसी और के साथ हो रहा है, वो अवेयरनेस ऐसे आती है कि ऐसा हो रहा है, किसके साथ हो रहा है कॉग्निटिवली हमें नहीं पता, एनर्जेटिकली अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सचेत होना शुरू हो जाएं तो हम जान सकते हैं। तो लॉजिकली शुरू में ये बात सेंस नहीं, कोई इसका कोई सर पैर नहीं लगता, लेकिन हाँ साइंस कहती है कि जो भी आपके आसपास सॉलिड चीज़ है, जैसे ये दीवार है पीछे, अब ये जो है ये इतनी सॉलिड नहीं है जितनी आपको दिख रही है, एक्चुअली सॉलिड ही नहीं है साइंस के हिसाब से, इसके बीच में एनर्जी है, स्पेस है, और जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से डिज़ाइन है कि वो इतना स्लो मूव कर रहे हैं कि हमें ये इतना हमें सॉलिड लगती है, वास्तव में ये भी ऊर्जा ही है, पर वो हमारे हमें ऊर्जा नहीं लगती, अगर आप उसके पार जाना चाहेंगे तो आप टकरा जाएंगे उससे, आपको चोट भी लग सकती है। तो इसी तरीके से हमारी जो लिमिटेशंस हैं, जो चीज़ें जो हमें रोकती हैं, जो हमें बांध के रखती हैं, वो भी जो है चाहे हमें दिखाई नहीं देती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो असली नहीं है। ओ श्योर, भक्ति का सवाल है कि क्या आप बायपोलर के बारे में कुछ कह सकते हैं? डेफिनेटली आई हैव हैड लॉट ऑफ सम ऑफ माय क्लाइंट्स हु वर बायपोलर, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है हम सभी बायपोलर हैं आज के
टाइम पे जिस तरह से हम सबकी स्थिति चल रही है, तो पहले हु डज इट बिलोंग को कंप्लीट करते हैं, फिर बाइपोलर के बारे में ज़रूर मैं बात करूँगी क्योंकि भक्ति की रिक्वेस्ट आई है, डिमांड आई है। तो जैसे साइंस ऑलरेडी ये कह चुका है कि हर चीज़ ऊर्जा ही है, चाहे वो हमें सॉलिड लग रही है, लिक्विड लग रही है या गैस लग रही है, इसी पर हमारे लिए वो रियल नहीं है, हमारे लिए वो इतनी ही सॉलिड है कि हम नहीं उस चीज़ को मान सकते कि वो भी स्पेस हो सकती है। उसी तरीके से हमारे बहुत सारे लिमिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिलीफ सिस्टम हमारे नहीं होते, हमें वो बिल्कुल अपने लग रहे होते हैं जैसे वो हमारे ही हैं। और हर 15 मिनट में जो बेल बजती है और हम उसको देखते हैं कि किसका है ये, और जब हम ये सवाल करते हैं कि ये ख्याल जो इस समय आ रहा है ये किसका है, अगर वो सवाल करने से ही जो ऊर्जा है वो हल्की हो जाती है, हमें जो भारीपन लग रहा होता है वो चला जाता है, तो वो हमारा नहीं होता। और अधिकतर किसका है का जो जवाब है वो यही होता है कि या तो हमारा है या किसी और का है। और 99% ऑफ द टाइम हमारा, जब हमें लगता है कि हमारा है तब भी हमने अपना मान लिया होता है कभी ना कभी। जो एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ प्योर ऊर्जा होता है, वो कोई भी इमोशंस, रोना धोना उन सब के साथ पैदा नहीं होता। वो रोना सीख जाता है क्योंकि वो बहुत जल्द सीख जाता है कि इससे काम होते हैं। जब रोता हूँ तो मम्मी आ जाती है भाग के, कोई भी आ जाता है मेरा ध्यान रखता है, तो इसलिए ये आसान तरीका है अपने काम कराने का। तो और हम छोड़ते नहीं हैं अपना रोना धोना इस रियलिटी में, हमें लगता है रोएंगे तो काम हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता, खुश रहने से भी काम हो जाते हैं। इस टॉपिक पे वापस आते हैं, तो जब हम दो चीज़ें हैं, या तो हमारा है या किसी और का है। अगर हमारा है तो जहाँ कहीं भी हमने उसको अपना लिया है, और अगर हमारे लिए अब काम नहीं करा तो अब हम उसको लेट गो करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, हम स्वीकार करते हैं, या हम इच्छा शक्ति है हमारी, या हम इच्छा करते हैं कि हम उसको छोड़ दें, और उसी से हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। किसी और का है तो जिसके पास, जिसका भी है उसके पास जाए पूरी चेतना के साथ, गो बैक टू द सेंडर विद कॉन्शियसनेस अटैच, राइट। सो जिसका है उसके पास जाए पूरी चेतना के साथ। तो जब हम ये बोलते हैं तो हमने उसको जहाँ से भी पिक किया होता है वो वहाँ पर जाता है, चाहे वो हमने चाहे हमें याद हो या ना याद हो, और हमें इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है कहाँ से आया है। और जब हम उसको चेतना के साथ भेजते हैं तो हम एक्चुअली में उस पर्सन के लिए भी उसको हील कर रहे हैं। तो इन अ वे आप और इसी वजह से आप सुकून के साथ उसको वापस भेज सकते हैं अपने डियर वंस के पास भी, उससे उनका नुकसान नहीं होगा, उनका भला ही होगा क्योंकि उनके लिए भी वो हील हो जाएगा। कभी कभी वो समथिंग एल्स होता है, किसी चीज़ का है, तो वो जब किसी चीज़ का होता है तो मतलब या तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम अर्थ का होता है, क्योंकि अर्थ भी हर समय हमसे ऊर्जा की रिक्वायरमेंट जो है, डिमांड है जो वो कर रही होती है, उसको भी हीलिंग चाहिए, और हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं तो वो हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। पर हमें सिखाया नहीं जाता कि अर्थ के साथ भी हम अपनी कनेक्टिविटी बना सकते हैं, या फिर वो कुछ टाइम वो कुछ एंटिटीज़ होते हैं जो हमारी अटेंशन ले रहे हैं उनका हो सकता है। और इस एक टूल से बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे को मिला के भी बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत क्लाइंट्स हैं मेरे जो बहुत दर्द में थे, काफ़ी उनको बॉडी में किसी ना किसी पार्ट में बहुत पेन रहता था, और बहुत सालों से दवाइयाँ खा रहे थे और फिर भी वो पेन नहीं जा रहा था। जब तक दवाई खाते थे कुछ समय तक असर ठीक रहता था और फिर वो फिर से आ जाता था। और ये एक सिंपल सा टूल यूज़ करके कि जिसका है उसके पास जाए पूरी चेतना के साथ, वो उस दर्द से मुक्त होना शुरू हो गए। और मुझे लगता है दवाई खाने से तो अच्छा है अगर एक लाइन आप याद कर लें और उसको बोल जब भी दर्द महसूस हो उसको बोलते और वो दर्द चला जाए, तो हाउ डज इट गेट इवन बेटर, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो ये रही हु डज इट बिलोंग टू जो टूल है एक्सेस का, उस और बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती है इससे, बहुत सारी परेशानियां ठीक हो सकती है। बहुत बार हम स्ट्रेस महसूस करते हैं हमारा होता भी नहीं है, बहुत बार हम दर्द महसूस करते हैं हमारा होता भी नहीं है, बहुत सारी टेंशन हमें जो हो रही होती है हमारी होती भी नहीं है, पर हम अपना बना लेते हैं क्योंकि अपने जैसी लग रही होती है।
अब मैं आती हूँ बाइपोलर के ऊपर, क्योंकि भक्ति ने सवाल किया था कि बाइपोलर के बारे में आप कुछ बताएं। तो जो लोग बिल्कुल इसके बारे में नहीं जानते उन लोगों को बताना चाहूँगी। बाइपोलर बेसिकली जो है इस रियलिटी में उसको डिसऑर्डर माना जाता है, जनरली साइकोलॉजी में बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, पर मैं उसे डिसऑर्डर नहीं मानती। बेसिकली बाइपोलर इज़ एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें कि आप दो जो डुअलिटी है, जो दो दो चीज़ों में दो तरह के माइंडसेट के बीच में जंप करते रहते हैं। तो बाइपोलर जो लोग होते हैं अचानक से बहुत खुश हो जाते हैं, अचानक से बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अचानक से बहुत खुश हो जाते हैं, अचानक से बहुत गुस्से में चले जाते हैं, या उनके फेजेस आते हैं। कई बार क्या होता है, एक फ़ेज़ होता है जब वो बहुत खुश होते हैं, फिर अचानक से एक फ़ेज़ होता है जब वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर मैं देखूं इस रियलिटी में हम सभी बाइपोलर होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी है माइंड के ऊपर, बम्बार्टमेंट इतनी है इन्फॉर्मेशन की, चॉइसेस हमारे पास इतनी है, और हमको जजमेंट करना इतना सिखाया जाता है इस रियलिटी में। अपने आप को सबसे पहले तो जज करना इतना सिखाया जाता है बचपन से, ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसा गलत कर दिया। तो वो जो टेप रिकॉर्डर है दूसरों की आवाज़ों के, वो हमारे जहन में बस जाते हैं, और हम हर समय जो है एक आवाज़ हमारे सर में चल रही होती है जो कॉन्स्टेंटली हमारे साथ चलती रहती है, करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, बोलना चाहिए था नहीं बोलना चाहिए था। तो हम वो जो ये वाला एंड या ये वाला एंड के बीच में हॉप ऑन हॉप ऑफ करते रहते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो जब ये जो स्थिति है, ये वाला छोर या ये वाला छोर, वो वाली स्थिति जब ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है इंसान का, उसके ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है या वो हावी हो जाती है हमारे माइंड के ऊपर, तो इंसान खुद या उसके आसपास वाले परेशान होकर बोलते हैं कि अब डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे आपे से बाहर जा रहा है। हम सभी के साथ किसी ना किसी लेवल पर ये चीज़ होती है, और मैंने काफ़ी केसेस ऐसे देखे हैं बाइपोलर के जिसमें फेजेस चलते हैं लोगों के। एक इसको हम कहते हैं जैसे मेनिया फेज़ होता है और डिप्रेशन फेज़ होता है, कि एक फेज़ है जब जॉय का फेज़ है, इतने खुश हैं, सब बढ़िया है, ये है वो है, कुछ भी कर लेंगे, और अचानक से सब ख़राब हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म हो जाएंगे, लाइफ बेकार है। तो बिल्कुल ऐसे वो चलते रहते हैं, और दोनों ही फेजेस में जब अच्छा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा रियलाइज़ नहीं होता, बट दोनों ही फेजेस में व्यक्ति जो है परेशान हो रहा होता है, उसके आसपास वाले परेशान हो रहे होते हैं। मेरी एक क्लाइंट थी जिनके हस्बैंड को बाइपोलर था, जैसे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, अभी एक जो याद आ रहा है, तो उनके केस में क्या होता था कि वो इनका जब मेनिया फेस आता था तो उनको लगता था अरे बहुत पैसा है, कुछ भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, मतलब दरवाज़ा खोला अचानक एक दिन और देखा सामने गाड़ी खड़ी है, और वो परेशान हो गए कि गाड़ी कहाँ से आई। जैसे एक सर ने कहा है गाड़ी पहुँचा दो, कोई टेंशन नहीं है, पेमेंट हो जाएगी, और मतलब डाउन पेमेंट करके गाड़ी ले लिया है, और तो उसको समझ आ गया अभी ये हाई वाला फेज चल रहा है, क्योंकि और आई थिंक समझने के बाद, खैर उससे पहले जब मेरे पास आई थी उससे पहले परेशान थी क्योंकि वो समझ नहीं पाती थी अपने हस्बैंड को, उसके बाद समझने लग पड़ी कि ये चल रहा है उनके साथ। क्योंकि क्या होता था, उससे दो दिन पहले उनको डांट पड़ी थी कि वो जैसे घर के बाहर जाने लगी तो हस्बैंड ने कहा कहाँ जा रहे हो, उसने कहा कुछ नहीं ब्रेड ख़त्म हो गई तो ब्रेड लेने जा रही हूँ, तो वो डांट रहे थे कि ब्रेड लेने जा रहे हो, पता है कितने रुपए की आती है, इतने रुपए की ब्रेड आती है, घर में आटा नहीं पड़ा, रोटी बनाओ खा लो, और दो दिन के बाद जाकर गाड़ी खरीद के ले आए 18 लाख की। तो वो जो है ना नॉर्मल जो आसपास जो लोग होते हैं उनको समझने की कोशिश करने के चक्कर में वो परेशान हो जाते हैं, उनको थेरेपी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बाइपोलर के क्लाइंट्स होते हैं या बाइपोलर की सिचुएशन में होते हैं, और मुझे लगता है कि अवेयरनेस में होना, क्योंकि दो तरह के बीइंग्स होते हैं एक पर्सन के अंदर। कई बार क्या होता है कि बचपन में किसी सिचुएशन में अगर आप हैं और आप उस सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहीं साइकोलॉजिकली और साइकियाट्रिस्ट जो है इसको इस लैंग्वेज में बोलते हैं कि आप एक इमेजिनरी फिगर क्रिएट करते हैं और आप मानने लगते हैं कि आप वो हैं, और दोनों में से कोई एक हावी हो जाता है माइंड के ऊपर तो वो प्ले करने लगता है। और इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि देर आर टू एंटिटीज़ इन वन बॉडी एंड द वन दैट एक्टिवेट्स इज द वन दैट टेक्स ओवर, एंड यस इवेंचुअली वन ऑफ देम कैन मेक अ चॉइस फॉर विच वन टू स्टे एंड द अदर वन
can leave, and it is very simple. It's about making a choice that this is my body. I think agar hum ye affirmation karna shuru kar de ya ye ek jo choice hai make karna shuru kar de that I am the personality in charge of my body. I am the dominant entity in my body and I choose to let go of any and all the others. तो जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हम अपनी बॉडी का चार्ज लेना शुरू करते हैं. हम किसी भी और एंटिटी को या पर्सनालिटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और डेली बेसिस पे छोटे छोटे स्टेप्स अगर लें अपने आप के साथ खुश रहने के लिए, बार्स बहुत हेल्पफुल रहता है. बिकॉज जो ये शोर होता है माइंड का जो कि फोकस नहीं करने देता और क्लैरिटी नहीं रहने देता कि एक्चुअली में मैं कौन सा वाला हूँ दोनों में से, वो जो है शोर क्लियर हो जाता है बार्स की मदद से. इसलिए लोगों को बहुत हेल्पफुल रहता है एक्सेस बार्स रिसीव करना. और आई थिंक इवन जैसे बाइपोलर तो सिचुएशन हो गई जिसमें दो पर्सनैलिटी होती है, देन वी हैव मल्टीपल पर्सनैलिटी केसेस एज वेल, स्किज़ोफ्रेनिया एज वेल, एंड ऑल ऑफ दोज केसेस आर बेसिकली एंटिटी केसेस वेयर entities are taking over the person's body and mind and they are speaking through the person, and the person many times doesn't even know what has happened. So isiliye aas paas walon ko zyada patience ki aur zyada samajhdari se, zyada I think soojh boojh se usko handle karne ki zarurat hoti hai. क्योंकि वो एक पल कुछ कहते हैं अगले पल भूल जाते हैं. ऐसा नहीं कि वो अगले पल भूल गए, एक पल एक पर एक पर्सनालिटी एक्टिवेटेड थी, अगले पल दूसरी पर्सनालिटी एक्टिवेट हो गई और आपको लगता है आप एक व्यक्ति से डील कर रहे हैं पर वहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं. तो इसलिए आप समझ नहीं पाते कि अभी इन्होंने बोला खाना बना के लेकर आओ और खाना बना के लेकर आई तो डांट पड़ रही है कि क्यों बना के लेकर आए हो, कौन खाने वाला है यहाँ पे, मैंने तो नहीं बोला. तो वो बात से अपने मुकर जाते हैं. ऐसा नहीं कि वो बात से मुकर गए हैं, वो वहाँ अब है ही नहीं, वो कोई और था जिसने ऑर्डर किया था और अब कोई और है. और अधिकतर लोगों को जो ऐसा अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली और फिज़िकली देखते नहीं हैं, एक्सपीरियंस नहीं करते, उनके लिए ये सारी बातें बहुत अजीब सी लगती हैं, वाहियात लगती हैं, बेकार लगती हैं. लेकिन जो अपने आसपास ऐसा कुछ देख चुका होता है वही समझ सकेगा जो कि मैं क्या कह रही हूँ. तो इट इज़ अ सिचुएशन दैट कैन बी वर्कड विद टू हैव मोर ईज विद इट. एंड यस, देर हैज़ बीन पीपल हु हैव गॉटन फ्रीडम फ्रॉम इट टू. यस, दैट्स व्हाट यू हैव अंडर भक्ति, आपने बिल्कुल सही समझा है इस चीज़ को. और दैट इज़ हाउ इट इज़ नाउ. आपको ये चॉइस मेक करना है कि उसमें से आप जो हैं वो चार्ज ले रहे हैं उसके अंदर. एक जो चीज़ हम करते हैं एक्सेस में, भक्ति का सवाल है कि इसका कॉज क्या हो सकता है. तो मैं एक्सेस से पहले मैंने बहुत सारी मोडालिटीज़ की थी. ऐसा नहीं कि एक्सेस से पहले मेरे पास ऐसे केसेस नहीं आते थे, मैंने एक्सेस से पहले बहुत सारी मोडालिटीज़ करी हुई हैं. जैसे अपने कुछ इससे पहले वाले फेसबुक लाइव्स में मैंने बताया हुआ है. उनमें हम क्या करते हैं, हम जाके कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर हम कारण ढूंढ लेंगे तो हम उसका हल निकाल सकते हैं. लेकिन क्या होता है कि कारण ढूंढने में एक तो बहुत समय जाता है और कारण ढूंढने के चक्कर में बहुत कुछ नया हम पिक कर लेते हैं. तो कारण जो है, हो सकता है बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें हम अपने आप को कम महसूस कर रहे थे और हमें लगा कोई और हमारी मदद कर दे, और आसपास कोई फिज़िकली तो था नहीं तो कोई और ऊर्जा थी वो आ गई मदद करने के लिए और वो एंटर हो गई हमारी बॉडी के अंदर या हमारे जहन के ऊपर उसने टेक ओवर कर लिया. और पास्ट लाइफ से भी आ सकता है, हो सकता है कोई ना कोई सिचुएशन में हमारी पास्ट लाइफ की कोई पर्सनालिटी एक्टिवेट हो गई जो कि वही चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहती थी, उस लाइफ में नहीं किया, इस लाइफ में हो रहा है तो वो पर्सनालिटी जो है वो एक्टिवेट हो रही है. तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं. मुझे अब ऐसा लगता है कि कारण से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चॉइस, यू नो, कॉज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चॉइस. कि कॉज कोई भी रहा हो, हमें ये नहीं देखना व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, हमें ये देखना है कि अब हम क्या चूज़ कर रहे हैं. अब हम उससे मुक्त होना चूज़ कर रहे हैं, अब हम अपनी लाइफ का चार्ज लेना चूज़ कर रहे हैं,
अब हम पूर्ण रूप से अपने शरीर का चार्ज लेना चूज़ कर रहे हैं। इसीलिए इससे पहले वाले कुछ फेसबुक लाइव जो मैंने किए थे वो मैंने शरीर के लिए किए थे कि हमारा शरीर जो है एक बहुत ही मैजिकल टूल है, इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास है, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। हम उसको रॉन्ग में ना करें, अगर उसको उससे भागने की कोशिश ना करें, जैसा वो है उसको वैसा स्वीकार ना करें, तो हम एक तरह से वही है कि हमारा जो शरीर है वो हमारा घर है इस रियलिटी में रहने के लिए। और अगर आप अपना घर खुला छोड़ के चले जाएंगे, अगर आप कहोगे कि अरे ये मेरे को ऐसा घर नहीं चाहिए था, मैं तो जा रहा हूँ, तो जब आप अपना घर खुला छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा, दूसरे लोग कब्ज़ा कर लेंगे उसके ऊपर, और फिर शायद आप वापस आएँ तो आपको आपका ही घर वापस लेने में मुश्किल हो जाए। मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी में है, तो मैंने बहुत बार ऐसे केसेस सुने हैं, आपने भी सुने होंगे। तो इस फिज़िकल रियलिटी में फिज़िकल आँखों की एक घर है, उस पर किसी और ने कब्ज़ा कर लिया, और जो उसका रियल ओनर है उसको मुश्किल हो रही है उसको वापस पाने के लिए, तो हम उसको देख सकते हैं। लेकिन ये जो है ये ऊर्जा के लेवल पर हो रहा है, तो इसीलिए हम शायद उसको शुरू में स्वीकार नहीं करते, उसको स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। तो हाय नीता, कैसे हैं आप? भक्ति का सवाल है, सो इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीबडी, आर वी पिकिंग अप दैट एनर्जी? डेफिनेटली। तो ये आई थिंक आपका बाइपोलर वाला जो सवाल है वो ठीक हो गया, वो सब आंसर हो गया है। और ये जो अब आप सवाल कर रहे हो, ये बेसिकली दो चीज़ों से है कि आप अगर किसी को समझने की कोशिश करते हो तो ये एक अलग चीज़ हो जाती है, ये बाइपोलर में नहीं आता। ये तो है कि अगर आप किसी को भी समझने की कोशिश करते हो तो आप उसको बायोमिमेटिकली मिमिक करना शुरू कर देते हो। बायोमिमेटिक एंड बायोमिमेट्रिक मिमिक्री जो है एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, इन विच जिसके अंदर कि क्या होता है, जब भी आपने किसी को समझने की कोशिश करी, आपका जो माइंड है वो वहाँ चला गया, या आप खुद ऊर्जा के जो एज अ ऊर्जा आप हो, आप वहाँ चले गए उसकी ऊर्जा में समझने के लिए, अरे ये ऐसा कैसे कर सकता है। तो जब भी आप, अरे कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, अरे ये ऐसा हरकत कैसे कर सकता है, तो जैसे ही आपने उसको समझने की कोशिश करी, आपने उसकी ऊर्जा को अपने सिस्टम में धारण कर लिया। एनर्जेटिकली उसकी जो ऊर्जा है वो आपकी न्यूरोलॉजी में, न्यूरो पाथवेज में बस जाती है। जब आप सिमिलर सिचुएशन में होगे, उसी समय पता नहीं चलता, लेकिन जब आप सिमिलर सिचुएशन में होगे, वो एनर्जी जो है वो ट्रिगर हो जाएगी और आप बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही बिहेव कर रहे होगे। तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जब हम छोटे होते हैं हमें अपने माँ बाप की कई सारी चीज़ें पसंद नहीं आती। कई बार हम ये भी बोल देते, जब हम बड़े होंगे ना हम तो ये कभी भी नहीं करेंगे, जब हम माँ बाप बनेंगे ना हम तो ये कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन जब हम उनकी सिचुएशन में आते हैं, जब हम पेरेंट्स बनते हैं, जब हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करते हैं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वही कर रहे होते हैं जो हमारे पेरेंट्स कर रहे थे। और फिर हमें लगता है कि हाँ मम्मी ना शायद सही कहती थी, ऐसा ही होता है, पापा ना शायद सही कहते थे, ऐसा ही होता है। बात सही और गलत की नहीं है, ये नहीं है कि वो सही कहते थे या वो सही नहीं कहते थे। जब आपने बचपन में उसको जज किया, चाहे आप उससे अलाइन और अग्री हो गए, चाहे आपने उनकी बातों को माना और अपना लिया, चाहे आपने उसको रिजिस्ट और रिएक्ट किया, चाहे आपने उसका रिएक्शन किया, लड़े आप कि नहीं हम नहीं ऐसा मानते, ऐसा नहीं होता, या आपने उसको रिजिस्ट करना शुरू किया, आपने अवॉइड करना शुरू किया, दोनों केसेस में आपने उनकी ऊर्जा को अपने अंदर डाल लिया। और जब आप सिमिलर सिचुएशन में आओगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट उस तरीके से रिस्पॉन्स करोगे। तो आई होप भक्ति, अब आपको इस सवाल का जवाब मिला है। भक्ति का आगे क्वेश्चन है, सो हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बिकॉज वी ऑलवेज टेंड टू लिसन टू एवरीबडी। एग्जैक्टली। सो भक्ति, अगर आप ऐसे सवाल पूछते रहोगे तो मैं पूरी की पूरी बार्स क्लास यहाँ पे फेसबुक लाइव पे ही करा दूंगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके सारे सवाल जो हैं, जो सारे उत्तर मैं आपको सवालों में दे रही हूँ, वही सारी बातें मैं अपने जो एक्सेस का बार्स क्लास है, जो कि वन डे का क्लास होता है, उसमें हम लोगों को कराते हैं, जिसमें कि आपको ये सारी अवेयरनेसेस जो है, जागृति जो है, सचेतता जो है, वो पता चलती है कि किस तरीके, डोंट बी सॉरी एट ऑल, कभी आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप सवाल कर रहे हैं, और आपके सवालों के माध्यम से बहुत सारे लोगों को शायद उनके उत्तर मिल रहे होंगे, और आने वाले टाइम में पता नहीं कितने लोगों तक ये फेसबुक लाइव पहुँचे और उनको उनके उत्तर मिले। और कभी भी
सवाल पूछने के लिए सॉरी मत होइएगा लाइफ में, हमें बचपन से सिखाया जाता है, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, हमें बचपन से सिखाया जाता है ज़्यादा सवाल मत करो क्योंकि बड़ों के पास हमारे सवालों के जवाब नहीं होते, तो इसलिए हम सवाल पूछने के लिए संकोच करते रहते हैं और कभी पूछ भी लेते हैं तो सॉरी फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं। तो प्लीज़ कभी भी नेवर बी सॉरी, जनरली मैं ये लाइन ज़रूर बोलती हूँ, नेवर बी सॉरी सवाल पूछने के लिए तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि गैरी डगलस जो एक्सेस कॉन्शियसनेस के फाउंडर है वो हमेशा कहते हैं कि देर आर नो स्टूपिड पीपल ओनली, देर आर नो स्टूपिड क्वेश्चन ओनली स्टूपिड पीपल हु डोंट आस्क क्वेश्चन, कोई भी बेवकूफ़ी वाला सवाल नहीं होता, बेवकूफ़ लोग होते हैं जो सवाल नहीं करते। तो आप तो सवाल कर रहे हैं तो मतलब आप समझदार हैं, आप बेवकूफ़ नहीं हैं बिल्कुल भी, इसलिए प्लीज़ माफ़ी नहीं मांगेगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो और सवाल कर रहे हैं मुझसे। तो आपका सवाल है कि हम अपने आप को किस तरीके से उससे बचाएं, तो एक्सेस का एक टूल है इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू जब आप करते हैं कि हर चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ, एक पॉइंट जहाँ से आप देख रहे हैं, देखने का नज़रिया, हर चीज़ जो है ना वो एक नज़र पॉइंट ऑफ व्यू ही है। हर बात जो आपसे पहले या आपके अलावा किसी ने भी करी और आपने भी करी, चाहे आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो आपका सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हम अपनी हर बात को या सामने वाले की हर बात को इतना वजूद दे देते हैं और हर समय हम लोग लड़ रहे हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को राइट प्रूव करने के लिए, और हमें ऐसा लगता है कि अगर दो लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं तो दोनों में से या तो एक सही है या एक गलत है, और ऐसा नहीं हो सकता कि दो लोग से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो दोनों सही हो सकते हैं। तो और एक्चुअली में अगर आप देखें, मैं अभी कुछ दिन पहले पिक्चर देखने गई थी केसरी, और केसरी पिक्चर के अंदर, केसरी थी ना, केसरी पिक्चर के अंदर मैंने ये सीन, वो सीन देखा था जब मतलब मुझे उसको मूवी को देखकर लगा कि चाहे एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो, चाहे लोगों की आपस की लड़ाई हो, या बड़े से बड़ा वॉर हो, वो सारा का सारा क्या है, एक एक व्यक्ति का जो देखने का नज़रिया है, अपने उस देखने के नज़रिए को सिद्ध और सही प्रूव करने की ही लड़ाई है। और जब वो जितने लेवल पे बढ़ जाता है उतने लेवल पे हमारी लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, और अगर हम सिर्फ ये करना शुरू कर दें दुनिया में कि हम सामने वाले को जज ना करें, अपने आप को या अगर हम ये समझ लें कि अगर उसका दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से अलग है तो गलत नहीं है, सिर्फ अलग है, और दो लोग अलग अलग दृष्टिकोण रखते हुए भी साथ रह सकते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, भाई बहन हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हो या देशवासी हो, दोनों का अगर पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, दृष्टिकोण अलग है, तो दोनों में से कोई गलत नहीं है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखा जा सकता है और अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए भी साथ रहा जा सकता है, तो शायद दुनिया से लड़ाइयाँ ख़त्म ही हो जाएं। सो अपने आप को सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पूरी दुनिया को बदलने के लिए, एक एक करके अगर हम शुरू करें तो शायद वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और सबसे पहले अपने ऊपर काम करना शुरू करें, खुद को ही देखें, क्योंकि हम जब तक दूसरों को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम वही कर रहे हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव कर रहे हैं और सामने वाले को बोल रहे हैं नहीं तुम गलत हो, तुम ये मत करो, ये मत करो। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें कि हम सामने वाले को जज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जहाँ जहाँ कर रहे हैं उसको ना करें, और किसी भी नज़रिए को बहुत ही अहम ना मान के, ठोस ना मान के, सिग्निफिकेंट ना बना के, उसको उस हर चीज़ में हल्केपन में रहें, ईज़ रखें, जॉय रखें, आनंद में रहें और आगे की ओर बढ़ते रहें, तो हम जो है अपने आप को फ्री करके रख सकते हैं हर चीज़ से। और ये चीज़ ज़रूर है कि आप जिस वाइब्रेशन पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी आप और ज़्यादा अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी की और ऊर्जाएँ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो हो जाती है, और उसी तरह की बातें, चीज़ें, लोग, ऊर्जाएं आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। और जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं,
तभी शायद एक्सेस का मंत्र है, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी. क्योंकि जब हम ये कहते हैं तो हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि संपूर्ण जीवन हमारे पास सहजता से, खुशहाली से और ऐश्वर्य के साथ आ रहा है. और जब हम ये मानना शुरू करते हैं तो ये होना भी शुरू हो जाता है. और मुझे लगता है अगर आप इसी एक लाइन को दिन में 10 बार बोलना शुरू कर दें तो आप उस ऊर्जा पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और उसी तरह की चीज़ें अपने जीवन में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है भक्ति, आपने शायद एक्सेस क्लास करी हुई है जैसा कि आपने मुझे पिछले कुछ फेसबुक लाइव में बताया था, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप जो है वो एक इन्फिनिट बीइंग है, आप एक जीव है जो अनंत है. और अगर आप अनंत हैं तो आपको किससे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है. तो आपने लिखा कि हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बिकॉज वी ऑलवेज टेंड टू लिसन टू एवरीबडी. तो आप एक अनंत जीव है जिसको कोई एक्चुअली में नुकसान नहीं पहुंचा सकता. जब तक आप खुद ये मान नहीं लेती कि कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो अगर आप अनंत हैं और सब कुछ आप में ही है तो आपको क्या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. और कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता रहे, उनका अपना दृष्टिकोण है, ना सही है ना गलत है, बस एक दृष्टिकोण है. और वो अपना दृष्टिकोण बिल्कुल रख सकते हैं. उनका दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण से अलग हो सकता है और अलग होने की वजह से कोई भी एक सही या गलत नहीं होता. सो जब आप ये ऐसी सोच और ऐसी ऊर्जा में रहना शुरू हो जाएंगे तो आपको अपने आप को बचाना नहीं पड़ेगा. आप सब अपना अपना कर रहे हैं, करते रहेंगे, पर आप उससे अफेक्ट होना बंद हो जाएंगे. क्योंकि हम अफेक्ट तभी होते हैं जब हम किसी की बात सुनते हैं और उसके बाद हमारा अपना जो छोटी आवाज़ है दिमाग की, वो शुरू हो जाता है उसको सही या गलत समझने में, अपने आप को सही या गलत समझने में. और फिर एक ट्रेन चालू हो जाती है जो आगे पता नहीं पास्ट की बातें याद करती है, फ्यूचर की बातें याद करती है, और हम प्रेजेंट होना बंद कर देते हैं. तो अगर हम हर पल पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में हैं, किसी को और अपने आप को जज नहीं कर रहे, चाहे राइट जज करना और रॉन्ग जज करना दोनों ही जजमेंट है, और ईज जॉय और ग्लोरी की तरफ फोकस कर रहे हैं, सहजता, हर चीज़ में सहजता हो सकती है अगर हम उसको ढूंढें और उसकी तरफ काम करें तो. हर चीज़ में आनंद हो सकता है अगर हम उसकी तरफ काम करें तो और उसको ढूंढें तो. और हर चीज़ में ऐश्वर्य हो सकता है अगर हम उसको ढूंढें और उसकी तरफ काम करें तो. और बाकी जो सब कुछ है, वो सब दृष्टिकोण है हमारे भी, जो हम भी सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो सिर्फ दृष्टिकोण है, सही या गलत नहीं है. तो जब हम इन चीज़ों को शुरू में याद करते हैं, धीरे धीरे जीने लगते हैं और फिर हो ही जाते हैं, इसी ऊर्जा में रहते हैं, तो हमें आसानी से जो जॉय है, जो एक हल्कापन है जीवन में, क्योंकि कुछ समय पहले तक अभी मेरे लिए उसको एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि कुछ समय पहले तक मेरे साथ ये बहुत होता था कि हर समय एक शोर रहता था, भारीपन रहता था, वगैरह वगैरह. पर अभी जो है बहुत हद तक जो है विचार कम हो गए हैं. जब विचार कम हो जाते हैं तो आप जो हल्कापन महसूस कर सकते हैं और जो अवेयरनेस है, जो जब जो सृष्टि हमसे बात करती है, लोगों के बारे में जो अवेयरनेस हमें होती है, जो चीज़ें हमें पता लग सकती हैं, वो हम सुन सकते हैं. अभी तो हम उन्हें सुन ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारा अपना शोर इतना है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते. तो अगेन मैं एक बार फिर से यही बात बोलूँगी, मुझे पर्सनली, और मैं ये नहीं कह रही कि ये इकलौता एक ही तरीका है, ऐसा बहुत सारे तरीके हैं, पर मुझे पर्सनली बहुत ही आसान तरीका लगा और मुझे रिज़ल्ट पर्सनली मिला इससे, और बहुत सारे लोगों को भी मिला. तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि बार्स जो है एक आसान तरीका है उस शोर को जो है कम करने का. सो डेफिनेटली इट इज़. और आई थिंक आज मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच. और प्लीज़ भक्ति, आप उस चीज़ के लिए सॉरी मत फील कीजिए, और कभी भी लाइफ में सवाल पूछने के लिए सॉरी मत फील कीजिएगा.
आई थिंक इस फेसबुक लाइव को देखने वाले बहुत सारे लोग आपके लिए थैंकफुल महसूस कर, आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। अगर आप में से कोई भी थैंकफुल है भक्ति के इन सवालों के लिए, क्योंकि शायद मैं ये सारी बातें शेयर नहीं करती अगर भक्ति ने सवाल नहीं किए होते, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में थैंक यू भक्ति ज़रूर लिखिएगा। भक्ति की वजह से आपको जो एक्सेस कॉन्शियसनेस की बार्स क्लास, जो कि पेड क्लास मैं 1 डे की करती हूँ, उसका कुछ पार्ट जो है, आई थिंक 3-4 पैराग्राफ तो मैंने शेयर करे ही हैं आप लोगों के साथ। कुछ पार्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर पा का मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप लोग उसको जान पाए, उसको एक्सपीरियंस कर पाए। तो आई एम रादर बहुत शुक्र, आई वुड थैंक यू रादर फॉर दिस भक्ति कि आपने ये अपने सवाल करे। और ठीक, भक्ति कीर्ति ने ऑलरेडी लिखा है थैंक यू भक्ति, तो आप में से और भी बहुत सारे लोग हैं जो इनको देख रहे हैं, नेहार, रघुवीर जी, कुमकुम, कुमकुम आप कैसे हो? आई एम प्लीज़ अगले स्वॉप पे ज़रूर आइएगा, बहुत मिस कर रही हूँ मैं आपको ऑलरेडी। कट्टार डॉली, हसमुख जी, मुनीश, नीता, वंशिका, गिनी, नंदिनी, नंदिनी, चारू, हरीश जी, ओके, शिवानी, हाय शिवानी। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको फेसबुक लाइव को देख रहे हैं। अगर आप इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं अभी या भविष्य में कभी भी, तो भक्ति को थैंक यू करना मत भूलेगा, बिकॉज आज का पूरा फेसबुक लाइव जो है वो भक्ति ने मेरे अंदर से निकाला है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू भक्ति आपके सभी सवालों के लिए, और इस एटीट्यूड को बरकरार रखिएगा, अपने सवालों को पूछते रहिएगा, क्योंकि सवाल ही है जो एक नई संभावनाओं का जो बहुत सारी नई संभावनाओं का सृजन करते हैं, एक नया रास्ता खोलते हैं, एक नई ऊर्जा क्रिएट करते हैं। और जब तक हम जब हम सवालों में जीते हैं, तो हम हर पल एक नई संभावना जो है अपने लिए बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं अभी भी ऑफिस में हूँ, अब मुझे घर चले जाना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके सवालों के लिए, प्यार के लिए। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहूँगी, अगर आप लोग दिल्ली में हैं, अभी आने वाली 6 तारीख को दिल्ली में YMCA में शाम को 3 से 6 बजे के करीब मैं अपना एक वर्कशॉप कर रही हूँ, जो कि लिविंग आउट ऑफ द बॉक्स के नाम से मैं अपना एक वर्कशॉप कर रही हूँ, जिसमें कि मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराऊंगी जो कि मैं अदरवाइज मैं एक पेड वर्कशॉप में कराती हूँ, पर अब जो है मैं इस सवाल में रहती हूँ हर समय कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। तो अगर आप हम सभी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये जाना कि हम सभी जो हैं कुछ इनविजिबल बॉक्स हैं, डब्बे हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हम उन सब में फंसे हुए हैं, और क्योंकि हमें दिख नहीं रहे तो हम नहीं समझ पाते कि हम इसमें फंसे हुए हैं। वो जो डब्बे हैं वो रिश्तों के हो सकते हैं, सोच के हो सकते हैं, रिवाजों के हो सकते हैं, हमारे पुराने जो बिलीफ सिस्टम है, विश्वास है, उनके हो सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो है, लेकिन हम कुछ ऐसे तरीके ढूंढेंगे जिनसे हम उनको ढूंढ पाएँ और उनको तोड़ के उनसे बाहर आ पाएँ और एक ऐसा जीवन अपने लिए बना पाएँ जो कि हमारी शायद इमेजिनेशन से भी परे है, हमारी सोच से भी परे है, क्योंकि हमारी सोच भी जो है वो हमारा जो लॉजिकल माइंड है, जो हमारा जागृत मन तो नहीं उसको मैं कह सकती, बहुत लोग जागृत मन कहते हैं पर मुझे लगता नहीं कि वो जागृत होता है, उसके अंदर सिर्फ जो हमारा लॉजिकल माइंड है उसके दायरे तक ही सीमित है, जो सब उसके अंदर डाला गया है उसी तक ही सीमित है। तो उसके भी बियॉन्ड हम अपने लिए जीवन क्रिएट कर पाएँ, ऐसे जीवन की स्थापना कर पाएँ जो कि इस जॉय और ग्लोरी से भरा हुआ है, बहुत जो कि सहजता से हो रहा है, आनंद से हो रहा है और ऐश्वर्य से भरा हुआ है। तो उसका वो वर्कशॉप मैं लोगों के साथ कर रही हूँ YMCA में इस 6 तारीख को 3 से 6 बजे, और ये जो वर्कशॉप है
कंप्लीटली फ्री है, तो मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, आप भी इस वर्कशॉप में आइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये फेसबुक लाइव जो है इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आज इस फेसबुक लाइव में शेयर हुई है बाइपोलर के बारे में, अपने आप को पॉजिटिव रखने के बारे में, और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद बहुत सारे लोगों को अपने उनके जीवन में कैसे खुश रहना है या खुशहाली कैसे क्रिएट करनी है उसमें मदद कर सकते हैं। और पता नहीं आपका एक शेयर किसको जाकर मिले और किसके जीवन में जाकर वो बदलाव लाए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके समय के लिए, आप सबके प्यार के लिए, और कुछ ही फेसबुक लाइव बचे हैं तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं। अपने सवाल भेजते रहिएगा, सजेशंस भेजते रहिएगा कि आगे आने वाले जो 3 फेसबुक लाइव हैं उसमें मैं क्या सवाल लूँ, क्या टॉपिक्स लूँ। और एक बार फिर आप सभी के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।